ऋषि मुनि हजारों साल तक ऐसे खड़े होके शिव जी की तपस्या किया करते जय। कई सांस भरते हुए ऊपर, अब सांस छोड़ते, सांस को भरते हुए फिर ऊपर लेके चले, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। सामने की तरफ सांस भरते हुए ऊपर, अपने चेस्ट के पास लेके आए लगातार। वन सांस छोड़ो, टू सिक्स सेवन, अब आ जाने के लिए आपके नोस्टल से सांस छोड़ने की आवाज आएगी। सेवन फोर्टीन फिफ्टीन, हाथों को रखो शोल्डर पर और क्लॉक वाइज घुमाने की। फाइव सिक्स सेवन, घंटे में सीधा करो, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस को घंटे में सीधा करें, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस को घंटे में सीधा करें, फिर सांस। बहुत अरसे से भारत गुलामी के कार्यकाल में रहा, हजार वर्षों की गुलामी भारत ने झेली है, इसलिए बहुत सारी जो हमारी संस्कृति की शिक्षाएं हैं उनको जो है वो भुला दिया गया। बीच बीच में हमारे बहुत सारे महर्षि स्वामी युवा के द्वारा जो है वो सारे देश में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में जाकर के जो है वो इसका प्रचार प्रसार करते रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड जो है वो काम रहता था। अपने आश्रम बनाते थे उनमें जो है वो योग चलता था, लेकिन 2014 में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक योगी पुरुष जो है वो देश का प्रधानमंत्री बना। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रख करके और सभी देशों से बातचीत करके योग दिवस पूरे दुनिया भर में जो है वो मनाया जाए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करवाया और 21 जून को लगातार जो है वो अब हर वर्ष योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे बाकी दिन जो है वो जो इन्होंने रखे हैं, उसी प्रकार से 21 जून जो है वो योग दिवस के रूप में दुनिया के लगभग 198 देशों में जो है मनाया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका में जाकर के जो है वो योग दिवस के अवसर जो है भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी योग दिवस को अपने जो है वो नियमित कार्यक्रम के रूप में जो है वो मनाती है। आज शिमला में राम मंदिर में इस योग दिवस का कार्यक्रम जो है वो इसका आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने और बाकी लोगों ने भी भाग लिया। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन भी इसमें हमारे साथ शामिल हुए, प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री संजय सूद जी भी शामिल हुए, हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जो है वो विजय परमार जी और अपने राजेश शारदा जी, और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, ये सभी लोग जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने वाला नहीं, मन को भी स्वस्थ करने वाला जो है वो एक जो है प्रक्रिया है, और इसमें सभी लोग जो है वो भाग लें, ये नियमित अपने जीवन का अंग बनाएं। इस योग दिवस को मनाने का वास्तविक अर्थ यही है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी दवाइयों से जो है वो छूट मिल सकती है। बहुत लोगों ने कोरोना के काल में भी जो है वो योग को अपना करके, योग करके जो है वो, जब दवाइयां नहीं थी तो उस वक्त जो है वो उससे भी छुटकारा पाया और उससे दूर भी रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि योग दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक नरेंद्र मोदी जी की द्वारा दी गई भारत के लिए ऐसी देन है जिसके कारण भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, और दुनिया के लोग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक्सेप्ट करने के कारण ये मानने
लगे हैं कि भारत निकट भविष्य में विश्व गुरु के स्थान पर पुनः आसीन हो सकता है। सरकार की